सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कल आपको पता है ना धरना प्रदर्शन था पीएनपी पे प्रयागराज में, और उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है। बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आई। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो तो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, यहाँ पर पीएनपी के द्वारा बताया ये गया है कि 10 सितंबर तक हम कन्फर्म कर देंगे कि आपका प्रमोट होना है या फिर आपका एग्ज़ाम होना है, लेकिन चांसेस जो ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों वो बन रहे हैं आपके प्रमोट से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि हमारे प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम 23 मार्च को स्थगित होने के बाद अभी तक कुछ पता नहीं है, जिसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभात सिंह जी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी एवं समस्त कार्यकारिणी द्वारा डीएलएड प्रशिक्षुओं के भविष्य को अंधकार से बचाने के लिए प्रथम बार 18 जुलाई से 20 जुलाई तक ईमेल महाज्ञापन में प्रमोट को लेकर पूरे प्रदेश में चलाया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में प्रशिक्षुओं ने पीएनपी को ईमेल किया था। इसके उपरांत अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 21 जुलाई को ट्विटर अभियान चलाया गया था, जिसमें आप सभी के सहयोग से मुद्दा यूपी में नंबर वन पर ट्रेंड किया था, जिसके तुरंत बाद पीएनपी के द्वारा 22 जुलाई को शासन को प्रमोट के पक्ष में पत्र लिख दिया था। लगातार संघर्ष के बाद कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हम यह सोच लेते हैं कि हमारे अकेले के संघर्ष में क्या होगा, तो हमें अब जागना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। हम सभी प्रशिक्षु अपने संगठन में एक समान हैं, आगे आकर संघर्ष करना होगा। आज फिर प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में पीएनपी पहुंचकर काफ़ी प्रशिक्षुओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत सारी बातें सामने आई। 10 सितंबर तक पीएनपी एवं एससीईआरटी द्वारा लिखित रूप से प्रमोट अथवा परीक्षा के संबंध में पत्र जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर यही दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ यही बड़ी खबर है कि 10 तारीख तक, उन्होंने कल बताया कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रमोट या फिर परीक्षा के संदर्भ में पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकत जो होती, यूनिटी जो होती, बहुत ही मजबूत बनाए रखने के लिए आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। जितना संगठन मजबूत होगा उतनी मजबूत होगी हमारी बात, सरकार के कानों तक पहुँचेगी। धन्यवाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, जय हो विजय हो। दोस्तों आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों आज की न्यूज़पेपर में बात यही निकल के आई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कि परीक्षा के लिए धरने पर बैठे डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षु, यहाँ पर 2019 की बात नहीं है, 2019 के भी काफ़ी सारे बच्चे थे। तो प्रदेश सरकारी एवं निजी डीएलएड बीटीसी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने परीक्षा कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय का घेराव करने पहुँचे असमंजस की स्थिति। प्रशिक्षुओं का कहना है कि पहले से ही डीएलएड 2018 बैच 8 महीने पीछे चल रहा है, अभी उनकी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई, चौथा सेमेस्टर भी दो महीने पहले पूरा हो चुका है। ऐसे में परीक्षा को लेकर सचिव नियामक की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं देने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका धरना जारी रहेगा। डीएलएड संयुक्त मोर्चा प्रशिक्षु मोर्चा के अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में प्रशिक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बड़ी खबर है दोस्तों यहाँ पर, कि बस ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, बस 6 से 7 दिन बाकी, यानी आपको सिर्फ 10 तारीख तक वेट करना है, कोई ना कोई अपडेट जरूर से जरूर आने वाला है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यहीं पर यही चल रही है कि बस आपके दिन अब ये खत्म होने वाले हैं कि हाँ आज प्रमोट होगा, कल प्रमोट होगा। 10 तारीख तक उन्होंने बताया, अगर 10 तारीख तक नहीं करते हैं तो धरना फिर से दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक धरना फिर से दिया जाएगा दोस्तों, और वो लाइव सेशन आपको हाइफा स्टडी, मात्र हाइफा स्टडी पर देखने को मिलेगा लाइव सेशन। ठीक है, लाइव सेशन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे कोई धरना होता है लाइव सेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छी बात यह है
कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ पहुँचाएंगे। तब तक ये थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।